दोस्तों आज हम जानेंगे एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में जिसने अपने जज्बे और जुनून से इतिहास को बदल दिया और सभी को यह दिखा दिया कि अगर इंसान दिल से कुछ चाहे और उसे पूरा करने की ठान ले तो वह कठिन से कठिन लक्ष्य को भी हासिल कर सकता है। तो दोस्तों यह है स्विमिंग के बादशाह और ओलंपिक के आज तक के सबसे महान खिलाड़ी माइकल फेल्प्स की, जिनके नाम आज तक कुल 83 मेडल्स हैं और सबसे बड़ी बात उन मेडल्स में से 28 मेडल्स उन्होंने ओलंपिक में ही जीता है और उन 28 मेडल्स में भी 23 गोल्ड मेडल है। माइकल फेल्प्स एक ऐसा आदमी है जिसने कि अपने जीवन काल में और इस दुनिया में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ने वाले के लिस्ट में अपना नाम सबसे ऊपर दर्ज करवाया है। एक ऐसा आदमी जिसने अपने रिकॉर्ड को खुद ही बनाकर और खुद ही तोड़ा है और इतना रिकॉर्ड तोड़ने का रिकॉर्ड उसने बना दिया है कि यह रिकॉर्ड तोड़ना आज इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति के लिए काफ़ी संघर्ष भरी बात है और यह लगभग नामुमकिन सा ही है और इस रिकॉर्ड को तोड़ना इतना आज आसान नहीं है। दोस्तों आप मेडल्स का महत्व इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत ने सन 1900 से लेकर अभी तक ओलंपिक के खेलों में केवल 28 मेडल जीते हैं और उसमें भी सिर्फ 9 गोल्ड मेडल ही है। फेल्प्स ने 2008 के ओलंपिक में स्विमिंग के सभी फॉर्मेट्स में कुल 8 गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह कारनामा भी उन्होंने ऐसे समय पर किया जब 2008 ओलंपिक के 2 साल पहले उनके दाहिने हाथ की कलाई टूट गई थी और डॉक्टर ने यह कह दिया था कि आप अब अपने हाथ का इस्तेमाल उस रफ्तार से नहीं कर पाएंगे जैसा कि पहले करते थे। लेकिन फेल्प्स इस बात को सुनने के बाद पहले से 2 गुना प्रैक्टिस करने लगे और 2008 के ओलंपिक्स में मार्क स्पिट्स का 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए 8 गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिए। तो चलिए दोस्तों स्विमिंग के बादशाह कहे जाने वाले माइकल फेल्प्स के इस प्रेरणादायक जीवन को हम शुरू से जानते हैं। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 30 जनवरी सन 1985 से, जब अमेरिका के बाल्टीमार नामक जगह पर माइकल फेल्प्स का जन्म हुआ था। फेल्प्स के माता पिता ने 7 साल की उम्र में ही उन्हें स्विमिंग क्लास के लिए भेजना शुरू कर दिया, लेकिन उनका मकसद केवल उन्हें तैरना सिखाना था। लेकिन आगे चलकर फेल्प्स के अंदर स्विमिंग का जैसा पागलपन सा हो गया और उन्होंने इसी खेल में अपना कैरियर बनाने का फैसला कर लिया। देखते ही देखते अपने प्रैक्टिस के दम पर उन्होंने सिर्फ 10 साल की उम्र में अपने आप को इतना ट्रेंड कर लिया कि अपने एज ग्रुप के लगभग सभी नेशनल रिकॉर्ड को तोड़ डाला। उसके बाद बॉब बाउमैन से ट्रेनिंग लेते हुए सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्होंने सन 2000 समर ओलंपिक के लिए क्वालिफाइड कर लिया और पिछले 68 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष बने। उन्होंने इस ओलंपिक में क्वालिफाई स्कूल टाइम में ही कर लिया था। हालांकि वे उस ओलंपिक में एक भी मेडल जीतने में सफल नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने हार ना मानते हुए अपने प्रैक्टिस को जारी रखा और फिर सन 2004 के समर ओलंपिक में उन्होंने ओलंपिक के खेलों में जीत की शुरुआत की और कुल 6 गोल्ड 2 ब्रॉन्ज के साथ 8 मेडल अपने नाम कर लिया। इसी ओलंपिक के ही एक मैच में वे अपने बचपन के हीरो इथन थोर्प, जो कि ऑस्ट्रेलियन स्विमर थे, उनके साथ कंपीट कर रहे थे और सभी रेस खत्म होने के बाद मीडिया वालों ने इयन थोप से पूछा कि क्या आपको इस ओलंपिक के रिकॉर्ड को देखते हुए लगता है कि फेल्प्स अगले ओलंपिक में सभी गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच सकते हैं। तो उस बात का उत्तर देते हुए इयन थोप ने कहा कि यह कभी संभव ही नहीं है, ऐसा करना लगभग असंभव है, फेल्प्स कभी भी ऐसा नहीं कर पाएगा। जब यह बात फेल्प्स के पास पहुंची, तभी उन्होंने ठान लिया कि वे अगले ओलंपिक में सभी गोल्ड मेडल जीतकर
ही रहेंगे। और फिर उन्होंने अपने प्रैक्टिस को और भी बढ़ा दिया, यहाँ तक कि वे छुट्टियों में भी प्रैक्टिस करने लगे। वे दिन के 12 घंटे रोज प्रैक्टिस करते थे। और उस समय इनका जीवन भी काफ़ी कठिनाई से गुजर रही थी, काफ़ी संघर्षपूर्ण थी। और लेकिन 2008 ओलंपिक के 2 साल के पहले उनके दाहिने हाथ की कलाई फ्रैक्चर हो गई और डॉक्टर ने यह कह दिया था कि आप अब अपने हाथ का यूज उस रफ्तार से नहीं कर पाएंगे जैसा कि आप पहले करते थे। दोस्तों, उस समय किसी को कैसा लगता होगा जब किसी बैट्समैन को यह कह दिया जाए कि आपका ये हाथ फ्रैक्चर हो गया और आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का यूज नहीं कर सकते हैं? तो बताइए, उस जो प्लेयर रहेगा बैट्समैन, वो कैसे शॉट लगा सकता है? तो वैसे ही हालात हो रही थी इस महान स्विमर के साथ, जो कि है माइकल फेल्प्स। लेकिन यह बात जानने के बाद उन्होंने अपने हाथों को कम यूज करते हुए डॉक्टर से कहा कि चिंता मत कीजिए, मैंने अगर ठान लिया है कि मुझे 2008 के ओलंपिक में 8 में 8 गोल्ड मेडल जीतना है तो जीतना है। उन्होंने ऐसा कहा और बोला कि मैं अब हाथ को छोड़कर पैर के जरिए मैं प्रैक्टिस करूंगा और लगभग दिन के 12-12 घंटा कड़ी प्रैक्टिस, कड़ी मेहनत करते रहते थे और किया। और बाद में उन्होंने अपने हाथ का कम यूज करते हुए अपने पैरों पर ध्यान केंद्रित किया और अपने आप को इस तरह तैयार कर लिया कि 2008 के ओलंपिक में सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए स्विमिंग के सभी फॉर्मेट्स में जीतकर इतिहास रच डाला और मार्क स्पिट्स के 7 गोल्ड मेडल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए कुल 8 गोल्ड मेडल अपने नाम किया और ऐसा कारनामा करने वाले वे पहले खिलाड़ी बने। और दोस्तों, एक बात मैं बता दूँ कि वह जो 2008 का ओलंपिक रेस था उसमें उनका तैरते वक्त गॉगल्स टूट गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने रुके नहीं क्योंकि रेस तो शुरू हो गई थी, रुकने में भी कोई फ़ायदा तो थी नहीं। गॉगल्स के अंदर पानी जा रही थी, उनको कुछ भी दिखाई नहीं लग रहा, लेकिन उनके और उनके कोच के किए गए मेहनत से उनको सारी प्रैक्टिस करवाई हुई थी और उनको पता था कि कब कितना दूर पे हमारा एक पॉइंट्स आता है और एक एंड पॉइंट होगा। उन्होंने यह गिन कर रखा था और बाद में जब उन्होंने लास्ट रेस कंप्लीट की, जब उन्होंने आँख खोल कर देखा तो बोर्ड पे सामने लिखा रहा था WR। दोस्तों, WR का मतलब होता है वर्ल्ड रिकॉर्ड, और यह वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बनाया कि 8 में से 8 गोल्ड मेडल ओलंपिक में अपने नाम किए, जो कि मार्क स्पिट्स के रिकॉर्ड को भी तोड़ डाला। और इसके बाद भी फेल्प्स शांत नहीं बैठे और 2012 के ओलंपिक में भी उन्होंने 4 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल के साथ 6 मेडल अपने नाम किया। दोस्तों, कुछ लोग होते हैं ना कि एक सफलता के बाद अपनी उसी सफलता तक ही रुक जाते हैं, मतलब वो लगभग छोड़ देते हैं उस चीज़ को, लेकिन फेल्प्स ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया और अपने 2012 की ओलंपिक के लिए फिर से क्वालिफाई किया और तैयारी की और उसमें भी इन्होंने 4 गोल्ड और 2 सिल्वर भी जीती। और 2012 के ओलंपिक के बाद उन्होंने रिटायरमेंट का फैसला कर लिया, लेकिन वे अपने लाइफ में स्विमिंग को इतना टाइम दे चुके थे कि अब बिना इस खेल के वे रह नहीं पा रहे थे। इसीलिए 2014 में जब उन्होंने रिटायरमेंट वापस ले लिया और अपने अगले 2 सालों की कड़ी मेहनत के बल पर उन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया और वहां भी 5 गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। इस तरह से उन्होंने अपने अंतिम 4 ओलंपिक्स में कुल 23 गोल्ड मेडल जीतकर किसी भी खेल में सबसे ज़्यादा गोल्ड जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। आखिरकार इस महान खिलाड़ी ने 2016 के रियो ओलंपिक में रिटायरमेंट ले लिया। तो दोस्तों, इसलिए कहा गया है कि हार मानो नहीं तो कोशिश बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और दोस्तों, इतना इनका कठिन संघर्ष चल रहा था कि इनकी मात्र 7 से 10 साल के बीच इनके माता और पिता का डाइवोर्स हो गया था और वे दोनों अलग अलग रहते थे। और फिर उन्होंने माइकल फिल्प्स अपने माँ के साथ रहे और
स्विमिंग की प्रैक्टिस करते हुए अपने करियर को शानदार बनाया। तो दोस्तों, इसलिए कहता हूँ कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हार मानो नहीं तो कोशिश बेकार नहीं होती, इसलिए कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, हम लोग के लिए एक दुख भरी बात यह है कि किस बंदे का अकेले हमारे देश को पीछे कर रहा है। पूरा देश नहीं कर रहा हूँ, ये अकेले बंदे हमारे पूरे देश को पीछे कर चुका है। इतना टैलेंटेड रेसर, इतना अच्छा रेसर कि हमारे देश के सारे रेसर 57 खेलों को मिलाकर भी यह टॉप पे आता है। मात्र एक अमेरिकन लड़का इस पूरे इंडिया को अपने गोल्ड मेडल और मेडल्स के हिसाब में पीछे छोड़ कर रखा है। ये एक बात कॉमन है दोनों में, दोनों या तो भारत हो या माइकल फेल्प्स, ये दोनों में कॉमन है कि दोनों के कुल 28 गोल्ड मेडल है, जिसमें कि एक चीज़ है कि भारत का कुल मिलाकर ओनली 9 गोल्ड मेडल है और इस अकेले बंदे का 23 गोल्ड मेडल है। आप इसी बात का अंदाज़ा लगा सकते हो। लेकिन दोस्तों, आपको यह सुनने में ख़राब लग रही होगी, लेकिन इसे मानना पड़ेगा और इनके जीवन से थोड़ी इंस्पिरेशन हमें लेनी होगी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। दोस्तों, आज की बातें यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं एक नए और अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।